दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब ठीक है। आज हम एक कहानी सीखने जा रहे हैं और उस कहानी का नाम है दाऊद और गोलियात। आइए हम कहानी की ओर चलते हैं। जब शाऊल इजराइलियों का राजा था, तब उनके दुश्मन उनसे लड़ने के लिए आए। दुश्मनों की छावनी में से एक बहादुर जिसका नाम गोलियात आया और उसने चुनौती दी, तुम में से कोई भी मेरे साथ लड़ने के लिए आए। वह एक बड़ा दानव था, इसलिए इज़राइल का राजा और सारे लोग भयभीत हुए। जवान दाऊद ने भी यह बात सुनी, वह गोलियात से लड़ने के लिए गया। उसने अपनी लाठी और अपने हाथों में ली और नाले में से 5 पत्थर लिए। उसने अपने थैली में से एक पत्थर लिया और उसने गोफन से दानव की ओर फेंका। वह उसे माथे पर लगा और गोलियात जमीन पर गिर गया। दाऊद ने गोलियात की तलवार ली, उसका सर काट दिया। इस प्रकार दाऊद ने सिर्फ गोफन और पत्थर से गोलियात को मार डाला।